A very warm welcome to the Engineering Buddy channel. So, आज का वीडियो basically HSC students के लिए है. जैसे कि हमको पता है कि HSC के exams already start हो चुके हैं और time कम होने के कारण बहुत लोगों को doubts आ रहे हैं कि हम कौन से chapter पढ़े, क्या पढ़े, कोई important questions है क्या, तो उसी के बारे में हम discuss करेंगे. So, basically आज का topic है important questions for physics subject के ऊपर. सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले हम चैप्टर का वेटेज देखेंगे. सो बेसिकली ईएमआई जो चैप्टर है वो आपका 7 मार्क्स का वेटेज है विद ऑप्शन. एसी सर्किट्स 6 मार्क्स का है. ईएमआई और एसी सर्किट्स हम बोल सकते हैं कि इंटर रिलेटेड है, तो आपको इधर ही आपके 13 मार्क्स कवर हो जाते हैं. थर्ड है मैग्नेटिक मटीरियल जिसका वेटेज 5 है. ड्यूअल नेचर जिसका वेटेज फिर से 5 है. थर्मोडायनेमिक्स, रोटेशनल डायनेमिक, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, काइनेटिक थ्योरी, इन चारों चैप्टर का वेटेज 7 है. ऑसिलेशंस चैप्टर का वेटेज 5 है. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इनका वेटेज 6 है सबका. कंडक्टर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का 5-5 है ईच. तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसको सबको इंतजार है. सो बेसिकली ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स देता हूँ. सो बेसिकली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो होते हैं जो प्रीवियस ईयर या उसके प्रीवियस ईयर जितने भी बार आपका बोर्ड एग्जाम हुआ है पहले के लोगों का, उसमें कौन से क्वेश्चंस रिपीटेड हुए. जैसे कि आइंस्टाइन इक्वेशन आप बोल सकते हो कोई इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. फिर अगर कोई प्रूफ्स हो गया, कोई डेफिनेशन हो गए, डिस्टिंग्विश, ये सारे हम बोल सकते हैं कि कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये होते हैं. कोई लॉ प्रूफ करने हो गया, तो बेसिकली अगर आप देखे जाए देखेंगे कि मैं स्लाइड थोड़ा पीछे करता हूँ. अगर आप देखोगे कि आपने अगर इजी टॉपिक्स भी कर लिए, जैसे ईएमआई एक है, एसी सर्किट्स है, मैग्नेटिक मटेरियल है, सेमीकंडक्टर है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सुपरपोजिशन है, समझ लो 6 और 6 = 17 और ऊपर के कितने 7 3 = 21, समझ लिए. इधर आपने अगर 6-7 चैप्टर भी कर लिए तो आपके ऑलमोस्ट 30 मार्क्स कवर हो जाते हैं. और मोस्टली हर कॉलेज प्रैक्टिकल के मार्क्स फुल टू देता ही है, तो इस सब्जेक्ट में पास होना कोई बड़ी बात नहीं है. अगर आप सबसे पहले कोई इफेक्टिव मेथडली फॉलो करेंगे, एक सबसे पहले तो आप एक टाइम टेबल बनाओ कि एक दिन में या एक घंटे में एक चैप्टर हो जाना चाहिए. तो आप सबसे पहले अगर शेड्यूल बनाओगे तो आपको एक इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा. और हो सके तो डिस्ट्रैक्ट मत हो, बस पढ़ाई में फोकस करो और टेंशन मत लेना, सब पास हो ही जाओगे. बस अपने को अपने साइड से थोड़ा एफर्ट्स डालने हैं, ठीक है. तो ये तो होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अगर नहीं भी लिया है तो कोई बात नहीं, इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मैं एक पीडीएफ बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको स्टडी के टाइम ईजी पड़े. और ये एक और स्लाइड है. सो बेसिकली पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये तो क्वेश्चन जब मैं बोर्ड दे रहा था तभी ये क्वेश्चन आया था. ये छोटे छोटे डेफिनेशन भी कभी कभार आ जाते हैं एग्जाम में, जैसे सरफेस टेंशन क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी, कैपिलरी ट्यूब, किरचॉफ्स लॉ, मैंने पहले बताया था किरचॉफ्स जो लॉ है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, ये सारे इंपॉर्टेंट है, स्टीफंस लॉ, वीन्स लॉ, एमिसिव पावर. हो सकता है कि इनके फॉर्मूला के ऊपर कोई छोटे छोटे सम आए 2-2, 3-3 मार्क है, तो फॉर्मूला तो आपको वैसे भी काम ही आने वाला है जब आप डेफिनेशन लिखेंगे. तो फॉर्मूला अच्छे से करो, उनके यूनिट्स अच्छे से करना. अगर आप कोई सम कर रहे हो तो उसके यूनिट्स लिखना जरूरी है. फिर है इंटेंसिव एक्सटेंसिव वेरिएबल, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स. हो सके तो प्रूफ करके जाओ, और प्रूफ की प्रैक्टिस आपको पढ़ के नहीं होगी, वो आपको लिख के ही करना होगा. उसका डायग्राम, उसका नेमिंग या लेबलिंग जो बोलते हैं हम, फिर प्रूफ का स्टेप्स. और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बोर्ड एग्जाम में आपको मार्क्स गेन करने के लिए हेल्प करेगी, वो है आपका प्रेजेंटेशन. ज़्यादा कटिंग वो सब मत करो, और अगर कोई चीज़ भी आप कट कर रहे हो, कोई गलत लिख गया तो बस एक लाइन मारो, उसको बार बार 10 बार कट करके वो शैबी दिखता है बहुत. ऊपर से अगर आप आपके दोनों पेज के लेफ्ट और राइट साइड में 1-2 सेंटीमीटर छोड़ के अगर आप लाइन बनाओगे स्ट्रेट तो वो अच्छा दिखता है प्रेजेंटेशन. सो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा जाएगा और आप अच्छा स्कोर पर पाओगे. सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. मोस्टली ट्यूसडे या वेडनेसडे तक आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो मिल जाएगा.
इसका PDF मैं नीचे डाल दूंगा, और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, आपके फ्रेंड्स को भी बोलो सब्सक्राइब करने, ताकि ये क्रिटिकल और डिफिकल्ट सिचुएशन में उनको पढ़ने में आसानी हो। बेल आइकन भी प्रेस कर दो यार, नहीं तो फिर बोलोगे कि वीडियो का अपडेट नहीं आ रहा है। और बस आपके लिए व्हाट्सएप का एक ग्रुप भी बनाया है, जिसमें मैं हमेशा जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स है वो डालूंगा। कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको पहुंचने के लिए आप एक काम करो, इस चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, नीचे का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ग्रुप जो है ज्वाइन कर लो। ये व्हाट्सएप ग्रुप आपको बस 12th में भी नहीं, उसके आगे अगर आप CET दे रहे हो, JEE दे रहे हो, उसमें भी काम आएगा। तो काफ़ी लंबा सफ़र है अपना, ऑल द बेस्ट, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर रेस्ट लो और बस पढ़ाई करते रहो। दैट्स इट, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।